जय श्री राम। अभी शायद आप ये ना जानते हो कि बेंगलोर का पानी खत्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर 1 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि बेंगलोर का 70% वाटर नीड्स कावेरी नदी से आता है और बाकी का वाटर पंप करके। बट बेंगलोर में जो हो रहा है यह एक मैन मेड डिजास्टर है, क्योंकि जब एक एरिया डेवलप होता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, वाटर नीड्स बढ़ती है, मगर उसके बारे में कोई नहीं सोचता। बाय लॉ तो कहा गया है कि बेंगलोर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है, अगर ये लॉ ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होता तो बेंगलोर आज खतरे में होता। लेकिन बेंगलोर की सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती ये है कि वाटर का रिसाइकल ना करना और लेक्स को मिट्टी से भरकर उन्हें प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए यूज करना, और इस सब की वजह से ग्राउंड वाटर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, जिसकी वजह से आज बेंगलोर खतरे में है।